अस्सलाम वालेकुम, मैं वन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ क्रायलॉन टीवी मिनिस्ट्री की रियल और फेक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। मैं यह आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली कि इस पे स्क्रैच कोड है तो आपने उसको स्क्रैच करना है तो आपको रियलिटी का पता चलेगा, और ना ही मैं ये बताने वाली हूँ कि इसके ऑयल प्रोड्यूस होता है साइडों से तो पता चलता है कि ये एक रियल प्रोडक्ट है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताने वाली, बल्कि आज की वीडियो में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जब परचेज़ करनी है तो किस वेबसाइट से करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट शो करके आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से डिफरेंस आपको पता चल सकेगा कि रियल क्या है, फेक क्या है। और इसके अलावा आपके साथ जहाँ पे रियल और ऑथेंटिक क्रायलॉन टीवी पेंटिंग मिलती है वो वाली वेबसाइट्स भी शेयर की जाएंगी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा इनका लिंक। तो वीडियो करना है आपने एंड तक वॉच, सारी डिटेल आपको बताई जाएगी और मैं स्वेचेस भी करके दिखाऊंगी, और साथ ही साथ इसकी 3 कॉपीज होती हैं वो भी आपको दूंगी, मास्टर कॉपी भी होती है और एक बिल्कुल रफ सी कॉपी भी मिल रही होती है। तो सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में, वीडियो करना है नहीं है आपने, स्किप करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जी जनाब, करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये वो टीवी पेंटस्टिक है जो कि फेक है। अब मैंने इसको कहाँ से मंगवाया है मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। इस वक्त आपके सामने मैंने daraz.pk जो है उसको ओपन किया है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ से मैं अब इसको सर्च करने लगी हूँ, इसके सर्च बार में डालूंगी लिख के मैं क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक, और देन ये हमारे पास इस तरह का कुछ फेस खुल जाएगा जिसमें आपको नज़र आ रहा है क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक की मुख्तलिफ रेंजेस ऑफ प्राइस की रेंजेस। देखें 680 है, 650 है, 850 है और 659 है। यहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया, और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ओरिजिनल की आपको शक्ल यहाँ पर पिक आपको दिखाई जाती है और आपको पता नहीं चलता कि आपने इसको ऑर्डर करने के वक्त। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी अकल को इस्तेमाल करें और समझें, जो एक टीवी पेंट स्टिक आपको की रियल प्राइस इस वक्त जो है वो 3000 है, 2700 से 3000 है, वहाँ पे आपको वो 600 की कैसे दे सकते हैं। अब मैंने ये जो ऑर्डर की है इसको 1W में आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने फेक्स जो है वो प्रिंट करके लगाया हुआ है। मैंने आपको ये ओपन करके भी ये दिखाया है, इसको स्क्रैच करके भी दिखाया है, ये देखें अगर आप गौर करें। और जो ओरिजिनल है मेरे 45 पकड़ी भी, वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही प्रिंट है जैसे कि ओरिजिनल का होता है। जब इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह की होती है, और इस पर इस तरह की एक सिल्वर सी लाइन लगी होती है जो कि अभी आपको मैं लेटर ऑन दिखाऊंगी कि जो ओरिजिनल है उसमें ये लाइन नहीं होती। और उसके साथ साथ जो इसकी पैकेजिंग है वो इतनी ज़्यादा शाइनी नहीं होगी, देखते ही आपको पता चलेगा, एक डल सा आपको फेस महसूस होगा इसका। और निकालते साथ स्क्रॉल करते साथ इसके ऑयल तो आपको नज़र आएगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग से भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये उतनी फाइन तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई इसकी। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ जो रियल है, जो मेरे पास FS45 है, मैं आपको अपनी वीडियोस में भी शो करती हूँ। एक तो इस पर ये स्क्रैच कार्ड है, और ये आपको तब फ़ायदा देता है जब आप इसको घर ले आते हैं, ओपन करते हैं, स्क्रैच करते हैं और आप देखते हैं तो पता चलता है ना कि आपको ये ओरिजिनल है। अगर आपने शॉप पे खड़े होकर या किसी वेबसाइट से ऑर्डर करना है तो वहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, और जो ये फेक होती है, अच्छा बस फेक के ऊपर भी उन्होंने स्क्रैच लिखा होता है, जगह इस पर नहीं है। अब यहाँ से आप इसकी पैकेजिंग को देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ये जो सिल्वर लाइन है ये सबसे बिग डिफरेंस है इसका कि ये फेक है। अंदर की जो आप ये को इसको जब स्वैच करेंगे तो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए दोनों की जो है ना ऑयल्स जो कहते हैं जी आ रहा होता है, ये दोनों पे बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ रहा है, उस पर भी उस तरह का ऑयल निकला हुआ है, इस पर भी ऑयल निकला हुआ है, ये कोई निशानदेही नहीं है इस चीज़ की कि ओरिजिनल है या फेक है। लेकिन अभी मैं आपको लेटर ऑन इसकी स्वैचेस करके दिखाती हूँ, उससे आपको इसकी ओरिजिनलिटी का और फेक होने का पता ईजिली चल सकेगा। जो ओरिजिनल है वो बहुत ईजिली क्रीमी टेक्स्चर है उसका तो है ही है, लेकिन वो ईजिली ब्लेंड होते साथ ही आपको एक फुल कवरेज दे रही है। जो ही आप इसको स्क्रैच करेंगे ये देखें, ये एक इंतहाई जो है ना वो है, स्क्रैच आ रहे हैं ये देखें जगह जगह पे, और ये जिस तरह इस तरह ना इसी तरह जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ना इस वाली को जो फेक वाली है ये वाली, तो ये इसी तरह आपकी स्किन पे ब्लेंड होगी, स्मूथली ब्लेंड नहीं होगी। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा खुरदरा सा और अजीब सा है, यानी है तो क्रीमी टेक्सचर लेकिन इसको ब्लेंड करते वक्त ये पैचेस छोड़ता है जगह जगह, जैसे ये आपको एक पैच लगा हुआ फील हो रहा है। जबकि 45 आपको देखा जो मैंने इधर वाला दिखाया डार्क शेड, वो बहुत ही क्रीमी है, उसकी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा है और वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा जब आप उसको ब्लेंड करती जाएंगी। बहुत सारी गर्ल्स मुझे कह रही होती हैं कि हमारी टीवी पेंट स्टिक ब्लेंड नहीं हो रही होती, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि वो फेक जो है प्रोडक्ट उसको बाय कर लेती हैं। तो ये मैंने आज आपके की कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब जो ये कॉपी आपने मेरे पास देखी है ये है, आपके सामने मैंने दिखाया 680 की मुझे मिली है, ये इसकी मास्टर कॉपी है जो कि पता ही नहीं चलता कि आप ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं
के फेक इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आपको वीडियो के अंदर एक जो है वो इसकी बिल्कुल जो थर्ड क्लास कॉपी है जो कि जिसकी पैकेजिंग भी आपको देखते ही पता चलेगी और वो बिल्कुल फेक है, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना, ना ही इसको लेना है ना ही उसको लेना है, क्योंकि इन दोनों को लगाने से, ये देखें मैं आपको भी शो करने लगी हूँ, इन दोनों को लगाने से एक तो ये आपके चेहरे पर से उतरती नहीं है ऐसे कि कोई आपकी स्किन जाके स्टिक हो जाती है, और नंबर दो आपको बहुत ही वर्स किस्म के पिंपल जो है वो निकलेंगे। ये देखें ये है वो थर्ड कॉपी, इस पर भी वही लाइन उसी तरीके से दी गई है, ये सारी बात है एक ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है इनकी, तो ये एक ही तरह की पैकेजिंग आपको मिलेंगी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये उससे भी ज़्यादा जो है वो इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है, लेकिन जो ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये जाके आपकी स्किन के ऊपर ऐसी स्टिक हो जाएगी कि ब्लेंड ही नहीं होगी। ये देखें इनकी पैकेजिंग का, ये बैक साइड से भी देखें कि ये डिफरेंस है कि जो ओरिजिनल है ये 45 ओरिजिनल है, 1W और 3W जो है ये ओरिजिनल नहीं है। पीछे से इतना ख़ास डिफरेंस आप पता नहीं कर सकते, लेकिन वो जो थर्ड कॉपी मैंने आपको दिखाई है वो 3W वाली जो है वो कट जो है ना बिल्कुल टेक्सचर जो है पीछे से जो उन्होंने लोगो बनाया हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आपको बिल्कुल थर्ड कॉपी का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर दो जो इसकी पैकेजिंग है वो भी आपने देख ली है, जो डब्बे की पैकेजिंग है वो भी डिफरेंट है। अब इसको भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा ये ऐसी कोई अप्लाई होगी ना आपकी स्किन पे फटाफटली जैसे कि पता नहीं बहुत ही कोई ज़बरदस्त है, लेकिन ये बाद में आपकी स्किन पे पैचेस छोड़ेगी, ब्लेंड नहीं होगी और फ़ौरन से जो है वो उतर जाएगी, और बहुत ही रफ़ सी इसकी पैकेजिंग है। अच्छा इसके ऊपर भी कोई जो है आपको इस तरह से स्क्रैच कोट वगैरह जो है वो नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा होगा तो उस पर आप जब उसको कॉल करेंगे तो वो आपका बिल्कुल भी नंबर आपको बता देगा कि ये हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तो ये थी वो थ्री कॉपीज़ इसकी, ओरिजिनल दिखा दी, मास्टर कॉपी दिखा दी, और सबसे जो थर्ड क्लास कॉपी है वो भी मैंने आपको दिखा दी। आई थिंक सो आपकी सारी जो है वो कन्फ्यूजन्स वो दूर हो गई होंगी, लेकिन ठहरे ठहरे अभी आपने जाना नहीं है, मैंने आपको अभी ये तो बताया ही नहीं कि आपने किस पेज से इसको ओरिजिनल ऑथेंटिक लिया है वो आपने इसको बाय करना है। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के दो पेज यहाँ पे सॉरी टैग कर रही हूँ, टैग से मुराद ये कि मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और उसके बाद मैं उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अभी जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सबसे जो पहला है वो है इंस्टाग्राम का पेज क्रायलॉन पीके, क्रायलॉन पीके जो है इस पे आप जाके आप अपनी जो ओरिजिनल है क्रायलॉन टीवी पेंस्टिक वो ख़रीद सकते हैं। जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके आपको नीचे एक वेबसाइट नज़र आएगी, ये देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी ऑथेंटिक ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है क्रायलॉन टीवी पेंस्टिक की वो मिल जाएंगी। ठीक है अब चलते हैं अपने दूसरे जो इंस्टाग्राम के पेज की तरफ, तो वो है मेकअप सिटी, ये जो अभी आपको शो हो रहा है यहाँ पर जाएंगी आपको यहाँ पर भी आपको इसकी वेबसाइट नज़र आ रही है। इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगी तो आपको वहाँ पे जो है ना क्रायलॉन की ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो ये है वो दो लिंक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, और इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली मेरी जो है वीडियो के नीचे से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ हाँ जाने से पहले एक बात तो सुनते जाएँ, अगर आपको चाहिए गर्मियों में ज़बरदस्त किस्म की बेस बनाने का तरीका और ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक जिससे आपकी बेस जो है वो स्वेट प्रूफ हो जाए, स्वेटिंग हो तो आपकी बेस रिमूव ना हो, तो वो आपने देखना है, मैं आपको साथ अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कहीं मत जाइएगा, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।